सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनुज नतरवाल एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। एंड इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, रिवीजन कैसे किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ी देर साइड में रखते हुए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिवीजन क्यों करना चाहिए। व्हाई रिवीजन, व्हाई इज रिवीजन सो इम्पॉर्टेंट? हमने अपने टीचर्स से सुना हुआ है, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, हमने वीडियो लेक्चर्स में देखा है, हमने यूट्यूब पे देखा है कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्यों? तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आपको यहाँ स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होगा, इसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं द फॉरगेटिंग कर्व। ये ग्राफ ये कहता है कि जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ते हो तो केवल 24 आवर्स बाद आप 40% ऑफ द चीज़ें भूल जाते हो, आपको सिर्फ 60% चीज़ें याद रहती हैं। यानी कि आपने कोई नया चैप्टर पढ़ा और एक दिन बाद ही आप 40% ऑफ द चीज़ें भूल जाते हो। एंड यहाँ पे आता है हमारा रिविजन कि अगर हम उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं उसी टाइम, तो वो चीज़ वापस 100% पे चली जाती है, बट ओनली दिस टाइम वो चीज़ हमें 2 दिन तक याद रहती है। फिर हम उस चीज़ को जब तीसरी बार रिवाइज करते हैं तो वो हमें 3 दिन तक याद रहती है। अब इस ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यदि किसी चीज़ को हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। हमें बार बार उस चीज़ को पढ़ना नहीं होता, हमें बस एक बार पढ़ के उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करना होता है। तो कमिंग बैक टू जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वाई रिविजन? फर्स्ट, ये हमारा टाइम बचाता है। हम अपने माइंड को एक्सक्यूज देते हैं कि हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, अब दूसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा पढ़ लेते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं, रिवाइज तब कर लेंगे, बट ये चीज़ हमें वापस बाइट बैक करती है। क्योंकि जब एग्जाम आ रहा होता है, हमने रिवाइज किया होता नहीं है, तो हम वापस बचपन से उस चैप्टर को वापस पढ़ते हैं। वो थोड़ा सा रिवीजन की मेहनत के चक्कर में, वो रिवीजन की मेहनत ना करनी पड़े उसके बजाय हम फिर इतनी मेहनत करते हैं एग्जाम टाइम में। तो रिवीजन हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचाता है। एंड सेकंड, एंग्जाइटी, घबराहट। हमें ये डर रहता है काफ़ी बार कि अगर मैंने इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठूंगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कुछ टॉपिक्स भूल जाऊंगा, मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये घबराहट होती है, क्यों? क्योंकि हमने उस चैप्टर को महीनों तक नहीं पढ़ा है। लेकिन जब हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, दो चीज़ें होती हैं, हमारा टाइम बहुत बचता है, एंड सेकंड, हमें ये एंग्जाइटी इश्यूज़ नहीं होती है, घबराहट नहीं होती जो हमें एग्जाम टाइम में होती है। हमें ये लगता है कि हम ये चैप्टर तो मैंने पढ़ रखा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा। क्यों? जब हमने पढ़ रखा है, क्यों? क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया। अब हमने ये देख लिया कि रिविजन करना क्यों ज़रूरी होता है, और अब हम ये देखेंगे कि रिविजन कैसे करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका रिविजन करने का क्या होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिलीजियसली फॉलो करने हैं और उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हैविंग अ सिंगल सोर्स। हमें 2 से 3 किताबों को बिल्कुल रेफर नहीं करना है। सारी किताबों में सेम चीज़ लिखी होती है, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी होती हैं, अलग अलग कहानियाँ यूज़ की होती हैं सेम चीज़ को बताने के चक्कर में, लेकिन हमें सिर्फ एक किताब को फॉलो करना है, हमें सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करना है। वो सोर्स सबसे बेस्ट होता है हमारे नोट्स, NCERT होती है जो कि हमारी मेन रेफरेंस बुक होती है, लेकिन उससे भी बेहतर होता है हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स या फिर ऑलरेडी बने हुए नोट्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स खुद के बनाओ, टाइम नहीं है तो आप रेडीमेड नोट्स भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हम जब भी कोई चैप्टर अपनी कक्षा पे पढ़ाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स देते हैं, क्योंकि आपने लेक्चर तो एक बार देख लिया लेकिन बार बार उसको रिवाइज कैसे करोगे, वो हम नोट्स से करेंगे। नोट्स में ये मेक श्योर किया जाता है कि हमारी NCERT कवर हो रही हो, हमारी PYQs कवर कर रही हो, हमारे एग्जाम्पलर हो, एंड इससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन नोट्स क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे चैप्टर में 20 से 25 पेजेस में है, नोट्स में वो चीज़ 10 से 15 पेजेस में कवर हो जाती है। तो हमें ये समझ आ गया कि हमें जब भी कोई चैप्टर पढ़े हम सिंगल सोर्स को रेफर करेंगे, जो कि हमारे नोट्स, वो डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर टू चैप्टर वो नोट्स की लेंथ छोटी या बड़ी हो सकती है। वो नोट्स हम खुद भी बना सकते हैं हमारे पास अगर बहुत टाइम है, या फिर हम रेडीमेड नोट्स, ऑलरेडी मेड नोट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगर आप अपनी कक्षा के लेक्चर देखोगे तो वहाँ ऑलरेडी डले हुए होते हैं। नाउ अब हमें रिवाइज करना है, हमने यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया, अब हम रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे रिवाइज? हमें ये देखना होगा कि जैसे जैसे हम रिवाइज करते जा रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, हमारे पास टाइम कम देना है। हमें हर रिवीजन के साथ हमारा टाइम कम होता जा रहा है। हमने जब चैप्टर पढ़ा हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगा, फिर हमने पहली बार रिवीजन किया हमें कम टाइम लगा, हमने सेकंड टाइम रिवाइज किया हमें थोड़ा और कम टाइम लगेगा, हम थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे हमें थोड़ा और कम टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वो क्या है? प्रायोरिटीज़। हमें हर रिवीजन में उस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है जो हमें नहीं आती, जिसमें हम लेस कॉन्फिडेंट हैं, जिसके क्वेश्चंस बनने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है। हमें ये नहीं देखना है कि जो इजी पोर्शन है हम उस पर टाइम लगा रहे हैं और ये तो आता है वाओ वाओ, नहीं, इजी पोर्शन में हमें कम टाइम लगाना है, क्योंकि हर रिविजन के साथ हमारा टाइम भी कम होता जा रहा है। हमें हर बार प्रायोरिटी सेट करनी है कि मेरा रिविजन है, मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, मुझे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये वीक है, तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। अब हमें ये देखना है कि जब हमारे 4 से 5 रिविजन हो जाते हैं तो ये जो नोट्स हैं हमारे 10-15-20 पेजेस के, इनको फिर बार बार रिवाइज करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, हम एक लिमिट से कम टाइम इन्हें दे ही नहीं सकते। एंड फिर हम आते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स होते हैं कि हम 2 से 3 पेजेस में
बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से उस चैप्टर को खत्म करते हैं। सुंदर मतलब शॉर्ट नोट्स को कहा जाता है, थोड़ा सुंदर बनाओ, क्योंकि हम उन्हें बार बार रेफर करते हैं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों जरूरी हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हमारा सिर्फ एक चैप्टर नहीं, हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो जब भी हमारा टेस्ट हो, तो बजाय कि मैं उन 10 चैप्टर्स के 10 से 15 पेजेस के नोट्स को रेफर करूं, मेरे पास हर चैप्टर के 2 से 3 पेजेस के बहुत ही पावरफुल शॉर्ट नोट्स होंगे, जिसमें मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिसमें मेरे सारे फॉर्मूलाज होंगे। अगर हम मैथ्स या फिजिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें सारे थ्योरी होगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। समझ में आ रहा है? तो जब भी मेरा कोई टेस्ट होगा, तो मैं उन नोट्स को रेफर नहीं करूंगा, मैं अपने शॉर्ट नोट्स को रेफर करूंगा। उन शॉर्ट नोट्स को मैं बार बार बनाऊंगा, एंड वो शॉर्ट नोट्स परफेक्टली तब बनते हैं, उनका परफेक्ट यूज तब होता है जब आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आपने टीचर से पढ़ा, आपने अपने नोट्स बनाए या फिर रेडीमेड यूज के लिए, जो कि 10 से 15 पेजेस की गुड नोट्स हैं, आपने 4 बार रिवाइज कर लिया है, अब आप शॉर्ट नोट्स पे आ रहे हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट होगा, शॉर्ट नोट्स में आपने इतनी अच्छे से नहीं लिख रखा, आपने कोई चीज़ इतनी खुले तरीके से नहीं लिख रखी, तो फिर आप उस नोट्स को रेफर कर सकते हो, फिर आप अपनी उस एनसीईआरटी को रेफर करोगे। लेकिन जब आप इतनी बार रिवाइज कर लेते हो, तो वो सारी चीज़ें 2 से 3 पन्नों में कवर हो जाती हैं, एंड वो होती है रिविजन की पावर। जो चीज़ इतनी बड़ी थी, उसको हमने इतने से में कवर कर दिया, एंड जब हम टेस्ट देने जाएंगे, तो वो इतनी चीज़ हमें बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम इसको बार बार 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं, इतनी सी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। सो आई होप मैंने इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया, क्योंकि ये चीज़ कहीं से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी गई। सब बोल देते हैं कि रिविजन बहुत ज़रूरी है, ऐसे करो वैसे करो, बट कोई पूरा प्रोसेस नहीं बताया जाता। यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया है, ताकि हम इस चीज़ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और कुछ नहीं। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, रिविजन करते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा एक फिक्स शेड्यूल हो, यानी कि हम रोज़, हम अगर हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो रोज़ 1 घंटा रिविजन को दें। हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1.5 घंटा रोज़ रिविजन को दें, एंड उसका एक फिक्स टाइम हो। हमें पता हो कि 6 से 7:30 मैं रिविजन करूंगा, मैं शाम को रिविजन करूंगा। एंड ट्राई करना कि आप अपने पीक आवर्स में रिविजन ना करो। पीक आवर्स मतलब जब हम सुबह सुबह उठते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तब वो चैप्टर पढ़ो जो आपको नहीं आता, जो आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने पीक आवर्स रिविजन में लगा दिए, तो आप थक जाओगे, आप थके हुए आप नया चैप्टर कैसे पढ़ोगे? वहाँ तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वहाँ पर हमें ज़्यादा अटेंशन चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, रिविजन हो, फिक्स शेड्यूल हो, हमें अपने पीक आवर्स, अपना प्राइम टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं रिविजन को। रात को दे सकते हैं हम, शाम को दे सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए हम रिविजन कर सकते हैं। पीक टाइम हमें तब देना है जब हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो, हम कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हों, हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हों। ये कोई नई चीज़ नहीं बताई मैंने इस वीडियो में। हम रिविजन करते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत लेजी है। हमारा ब्रेन हमें पता है क्या एक्सक्यूज देता है? यार एक चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, और तेरे को आता तो है ही, दूसरा भी पढ़ ले, तीसरा भी पढ़ ले, जल्दी से सिलेबस खत्म करते हैं ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम आगे बढ़ते बढ़ते पिछला भूले जा रहे हैं, एंड वो पिछले को रिवाइज नहीं किया जिसमें इतनी सी एनर्जी लगनी थी, अब उसको जब वापस पढ़ोगे तो उसमें इतनी एनर्जी लगेगी। हम आलसी होते हैं, हमें पता होता है रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको इस वीडियो से पहले नहीं पता था कि रिविजन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैंने कोई नई चीज़ बता दी? नहीं, लेकिन हमारा दिमाग इतना आलसी होता है ना कि ये तो 3 दिन पहले ही पढ़ा है, ये तो 1 हफ्ते पहले ही पढ़ा है, इसको वापस करने से क्या होगा, मेरे को तो चीज़ें खत्म करनी है, मेरे को तो सिलेबस खत्म करना है। तो ये जो एक्सक्यूजेज हैं, ये हमें नहीं देने। हमारे अपने दिमाग को हमें कंट्रोल में रखना है, हमें अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाने देना है। बना भी तो किसके रहे हो, आप खुद का ही बेवकूफ बना रहे हो। हमें रिविजन करना है, जितना आलस आए आने दो। हमें यह देखना है कि अभी इतनी मेहनत लग रही है, बाद में इतनी मेहनत लगेगी। सो आई होप आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, आपको पता चला हो कि रिविजन कैसे करते हैं, क्यों इतना जरूरी है, एंड जल्दी से चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि वाइज रिविजन इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हमने ये देखा हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। हम जो चीज़ में 20% एफर्ट लगाते हैं, बाद में जाके हमें उसमें 5 गुना ज़्यादा लगाना पड़ता है। सेकंड, हमें एंग्जाइटी वाले इशूज़ नहीं होते, क्योंकि हमें ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, हमने चीज़ें एंड के लिए नहीं छोड़ी हैं। फिर हाउ टू डू रिविजन, उसमें हमने देखा हमारा सिंगल सोर्स होना चाहिए, हमें मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। एंड सेकंड हमने देखा कि हाउ टू डू रिविजन, जिसमें हमने 3 से 4 स्टेप्स देखे। फर्स्ट, हमें सिंगल सोर्स को फॉलो करना है। सेकंड, हमारा एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, हमारे 4 से 5 रिविजन होने चाहिए। एंड फोर्थ, हमें पीक कार्ड्स नहीं देने हैं रिविजन को। सो आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो। इस वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा, जो चीज़ हमने 10 मिनट पढ़ी, उसको भी हमने लास्ट में 1 मिनट तक रिवाइज किया। हमने 10 मिनट कोई चीज़ देखी, हमने फिर 1 मिनट में वो देखा कि हमने क्या क्या सीखा उससे। यही होती है रिविजन की इंपॉर्टेंस। सो आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू आपको रिविजन की इंपॉर्टेंस, कैसे रिविजन किया जाता है, वो समझा सका हूँ। तो इसी के साथ चलते हैं, सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।